साथियों, मेरा YouTube चैनल में आप सभी को नमस्कार। काफी अच्छे लोग देख रहे हैं आप। सबसे पहले आज मैं ये जो किताब लेके आया, ये मोहन भगवत जी का ऊपर लिखा हुआ किताब है, और इस किताब में जो बातें कहा गया, कहीं ना कहीं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी भी वही बात का जिक्र किया। तो इस देश का प्रधानमंत्री के बारे में क्या आरएसएस का सोच और कांग्रेस का सोच लगभग एक ही है, यही आज का विषय है। छोटा वीडियो होगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कोई डिसीजन लेता है, मतलब एमपीएस को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है बीजेपी को, ये जो दो पॉइंट्स हैं महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें, और कास्ट सेंसस। साथियों नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सुन लिए। अब इस किताब में मैं जा रहा हूं, मोहन भगवत जी का किताब है। इस किताब का शुरुआती इंट्रोडक्शन पेज में ही आपको ये बातें मिल जाएगा जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2018, आज की बात नहीं है, 2018 की बात है। एट द बिगिनिंग ऑफ 2018, स्पीकिंग एट द बुक रिलीज फंक्शन of a foreign service officer in Pune. Pune में मोहन भगवत जी गए थे एक किताब का उन्मोचन करने के लिए, और वहां मोहन भगवत जी ने क्या कहा 2018 में। भगवत was quoted as saying, nation building cannot be the work of one man. Nation building एक आदमी का निर्माण से नहीं हो सकता है, यह 2018 में कहा था। आज राहुल गांधी जी भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातों का जिक्र किया, जो ये देश एक आदमी का सत्ता का माध्यम से चल रहे। उसके बाद भी उन्होंने कहा, तो सबसे पहले क्या कहा, नेशन बिल्डिंग कैन नॉट बी वर्क ऑफ वन मैन, it has to be inclusive and require contribution of both the ruling party and opposition's party. तो ruling party के साथ opposition party का भी जरूरत है। ये बात को आज का राजनीति में जहां मोदी जी का शासन है, यहां हर एक सिद्धांत, इतना महान देश, इतना बड़ा देश, सबका अलग विचार, अलग खान पीन, अलग रहन सहन, सब कुछ अलग होने के बावजूद हम सब एक है, लेकिन हमारा सत्ता, जिस सत्ता को आप लोगों ने जिताया, वो सत्ता किसी का नहीं है, वो सत्ता किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ का सत्ता है। तो देश के नौजवानों से मेरा निवेदन है, आज राहुल गांधी जी ने जो बात कहा, और इस किताब को पढ़िए। इस किताब में एक बात और, लास्ट में हम एक बार कांग्रेस पार्टी में इंटरव्यू देने गया था, कांग्रेस पार्टी में, तो हमें कहा गया आप किस किस का किताब पढ़ा, तो उस टाइम पे मैं माय कंट्री माय लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी जी का आत्मकथा पढ़ रहा था। तो मैंने कहा, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी बोला, क्यों गांधी जी छोड़ के लाल कृष्ण आडवाणी, हम बोला हम जब तक जिस सिद्धांत और विचारधारा के खिलाफ हमारा लड़ाई है,
उस सिद्धांत और विचारधारा को हमको सबसे ज्यादा जानना जरूरी है, वहीं से हमको सच्चाई मिलेगा। और हमारा सिद्धांत और विचारधारा जनता तक पहुंचाने के लिए, तो आज मैंने आपको मोहन भगवत जी का 2018 में कहा गया बातों का जिक्र करते हुए, और आज राहुल गांधी जी ने जो कहा बीजेपी का एमपी को मूर्ति बना के रखा जाता है, ओबीसी को मूर्ति बना के रखा जाता है, कोई भी निर्णय में इस देश में सबको लिया नहीं जाता है, इसका सच्चाई 2018 में मोहन भगवत जी और मोहन भगवत जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कहां है, कितना है, कैसा है, ये देश को बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देश कलेक्टिव डिसीशन में चले आने वाले समय, देश का नौजवान और युवा आप लोग जरा सोचिए। नमस्कार, मैं आबू शर्मा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, रोज आऊंगा यूट्यूब में।